घाटों में कलेक्टर एस्टेटमेंट के संग ने सड़कों पर निकलकर स्थिति का लिया जायजा। साफ सफाई और अतिक्रमण के मामले को लेकर जमकर लगी सीएमओ को फटकार। कलेक्टर एस्टेटमेंट चैतन्य ने की चिंता जाहिर, कहा बहुत कुछ है साफ सफाई के मामले में करना बाकी। नमस्कार, समाचार विस्तार से। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य अचानक सड़कों पर उतरी। उन्होंने साफ सफाई और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एक एक बिंदु को बारीकी से समझा। सड़कों में, अंधेरी रातों में, जिस समय शहर में लाइट बंद थी, सिर्फ प्रकाश हो रहा था कुछ दुकानों का, क्योंकि कुछ व्यवधान पैदा हो गया था विद्युत की आपूर्ति में, और उस समय सड़कों पर उतरी थी कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य। उन्होंने एक एक गली में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। वह स्थान देखे जहां पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। वह सब गलियों में घूमे जो तंग थी, अतिक्रमण से ग्रस्त थी। सड़कों पर हर ठेले और फुटपाथों पर लगी दुकानों को देखकर वह नाराज भी हुए। उन्होंने अनेक जगह पर सीएमओ नगर पालिका के जो हैं भैया लाल सिंह को फटकार लगाई। उन्होंने जब जब जो जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के सही ढंग से उत्तर ना मिलने पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने साफ सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया और देखा कि वह सब कुछ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। वह घूमते रहे सड़कों पर, गलियों में, सारे स्थानों पर, उन सारे स्थानों पर पहुंचे जहां जहां स्थिति उनको बताई गई थी। जायजा लेने के बाद कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने एक चर्चा के दौरान कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम साफ सफाई के मामले को लेकर, अतिक्रमण के मामले को लेकर काफ़ी पीछे हैं। आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उन्होंने दिशा निर्देश दिए सीएमओ को। क्या कहा कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। शहर की स्थिति का जायजा लिया, क्या पाया है? देखिएगा, मुख्य मार्केट है कमर्शियल एरियाज में जी। हम लोगों को स्वच्छता अभियान में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है पब्लिक एरियाज में और मार्केट एरिया में। तो उसी के तहत अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई है, तो हम लोगों ने वो पूरा जायज़ा लिया है। हम लोगों को और ज़्यादा इस पर प्रयास करने की ज़रूरत है। ये दमोह ज़िले में हम लोगों का, दमोह शहर का सबसे मुख्य मार्केट एरिया यही माना जाता है। तो यहाँ पे रोड जो बनी है, चौड़ा रोड जो बनी है, लेकिन क्योंकि अस्थाई अतिक्रमण बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, इसकी वजह से क्या है, स्वच्छता के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रही है और बाकी ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या दिख रही है। तो जैसे हम लोगों ने जिला सड़क सुरक्षा समिति में निर्णय लिया है, घंटाघर से 250 मीटर चारों ओर हम लोग जो है कहीं पर ठेले की जो है वो रखने की, या कहीं पे अस्थाई जो है सब्जी वगैरह बेचते हैं वो सब रखने की जो है वो पूरा बंदिश रहेगी, कोई नहीं रख पाएगा। हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है उन लोगों को रखने के लिए ढूंढा है। तो कोशिश यही करेंगे कि पूरी अल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत ही सभी लोग जो है अपना सब्जी हो या बाकी चीज़ें वहाँ पर रख के अपना व्यवसाय कर पाएंगे, और पूरा अपना मेन मार्केट जो है वो खाली रहेगा, ताकि हम लोग सफाई करने में भी आसानी हो और ट्रैफिक में भी अच्छा यहाँ पे आसानी से मूवमेंट जो है। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य जब सड़कों पर घूम रहे थे, उस समय तहसीलदार बबीता राठौर, CSP अभिषेक तिवारी, राजस्व विभाग का अमला CMO भैया लाल सिंह तथा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।